न झुकी न डरी, माफिया के सामने डटकर खड़ी रही ये तीन महिलाएं। अतीक के आतंक का कैसे किया इन्होंने सामना, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर माफिया अतीक के सामने क्यों नहीं डगमगाई ये तीन महिलाएं। माफिया अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब प्रयागराज में अतीक के नाम की तूती बोलती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब अतीक प्रयागराज की सड़कों पर चलता तो कारोबारी अपनी दुकानें बंद कर लेते थे। बदमाश को देखते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। उसकी आंखों का खौफ इतना था कि कोई सपने में भी याद कर सहम जाता था। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी रहे जो अतीक से कभी डरे नहीं। अतीक के गुनाहों की तीन भुक्त भोगी महिलाएं जिन पर अतीक ने तमाम जुल्म ढाहे। एक को तो अतीक के गुर्गों ने गोली भी मारी, लेकिन तीनों माफिया के सामने मजबूत हौसले के साथ डटी रही। तीनों ने अतीक के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। इन महिलाओं के नाम है रुखसाना, सूरजकली और पुष्पा। अतीक के गुर्गों ने इन पर कई बार हमले भी किए। तो पहले बात करते हैं रुखसाना की, जिन्हें अतीक के गुर्गों ने गोली मार दी थी। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल की हत्या कर दी गई। जिस वक्त अपराधी गोलियां बरसा रहे थे उस वक्त रुखसाना भी वहां मौजूद थी। रुखसाना उसी कार में थी जिसे बसपा विधायक चला रहे थे। रुखसाना के मुताबिक उसके पति और राजू के बीच मित्रवत संबंध थे। हत्या के दिन उसके पति की बाइक खराब हो गई थी। तभी राजू ने दोनों को देख लिया और कहा कि भाभी मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तभी कार जैसे ही आगे बढ़ी बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली लगने से राजूपाल की मौत हो गई थी और रुखसाना इस हत्याकांड की चश्मदीद गवाह बन गई। दूसरी महिला है सूरजकली, जिसकी पति की हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज के चकिया की सूरजकली भी अतीक के अत्याचारों की भुक्त भोगी है। यहाँ पर सूरजकली के पति की 6 बीघा जमीन थी। इसी बीच सूरजकली को पता लगा कि अतीक ने उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। सूरजकली के मुताबिक झलवा इलाके में भी उसकी 12.5 बीघा जमीन थी। इस जमीन पर भी अतीक ने कब्जा कर लिया। इसके बाद सूरजकली ने अतीक का विरोध करना शुरू कर दिया। तभी एक दिन अतीक ने सूरजकली को अपने निवास पर बुलाया। अतीक ने सूरजकली से कहा कि अब तुम्हारे पति जिंदा नहीं है, इसलिए अब हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, ये जमीन हमारे नाम पर लिख दो। हालांकि सूरजकली ने इससे साफ इनकार कर दिया और माफिया के खिलाफ अकेले लड़ती रही। बताया जाता है कि इस दौरान अतीक के गुर्गों ने उस पर कई बार हमले भी किए। तीसरी महिला है पुष्पा सिंह, जिनके पति का ट्रांसफर हुआ तो कब्जा ली गई जमीन। प्रयागराज की पुष्पा सिंह पर भी अतीक ने खूब कहर ढाया। कसारी मसारी इलाके में उसका एक घर था। पुष्पा सिंह के मुताबिक पति नौकरी करते थे और उनका ट्रांसफर कानपुर हो गया। इस वजह से पूरा परिवार कानपुर चला गया। जब वो वापस लौट कर आए तो देखा कि घर को तोड़ दिया गया है। उस पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा जमा लिया है, लेकिन पुष्पा सिंह ने हार नहीं मानी। सालों तक अतीक के खिलाफ केस लड़ती रही। तो ये थी अतीक के गुनाहों की वो तीन भुक्त भोगी महिलाएं, जो अतीक के आतंक से कभी कांपी नहीं, बल्कि माफिया के सामने मजबूत हौसलों के साथ डटी रही। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।